आपको एंटरटेन करते हैं, उनके बिगैर ऐसे प्रोग्राम चलेंगे ही नहीं। तो थैंक यू फिर से हिमांशु। नमस्कार, स्वागतम, गुड इवनिंग। वाओ, मैं और क्या कह सकती हूँ, वाओ। आप सबको मिलके बहुत खुशी होती है। 9 साल हो गए, टाइम कैसे बीत गया पता नहीं पड़ा, बट एक बहुत सा सुंदर सफ़र हो रहा है और आप लोग से काम करके हम बहुत कुछ सीखते हैं, हमारी टीम। इस अवसर पे मैं उनको थैंक करती हूँ कि उनके बिगैर मैं ये काम नहीं कर सकती थी। सो थैंक यू लाइफ क्लास। आज का विषय जो है एक कंप्लीट वुमन। तो ये एक कंप्लीट वुमन है कौन? ये है, आपने ये वीडियो देखा होगा, आप आशा है आपने समझा कि ये शब्द क्या कह रहे थे। बेसिकली एक कंप्लीट वुमन है जो जिंदगी से मोहब्बत करती है, जो गिरकर भी खड़े रह के मुस्कुराते हुए आगे चलती है। एक कंप्लीट वुमन वो है जो काम करे उसमें वो अपना 100% दे, और मुस्कुराते हुए वो करते रहे, मुस्कुराते हुए वो अपनी ज़िंदगी बिताते रहे। मुश्किलें तो आती रहेंगी, पर अगर हम सोचें तो वो भी चली जाएंगी। तो आज हमारे बीच में 2 ऐसी महिलाएं हैं जो लाइफ का समझती है कि ये कंप्लीट वुमन है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, उन दोनों को स्टेज पे बुलाऊँगी। हमारी जो आज चीफ गेस्ट है फारा खान, वो इंडिया की डांसिंग क्वीन है, वो हम सबको नचाती है और हम नाचते रहते हैं। तो प्लीज़ इस खान आप ऊपर आइए। और हमारे बीच में एक ऐसी हस्ती है जिसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, आप प्लीज़ आइए मंच पे, आपका स्वागत है। प्लीज़ उनकी जुनून का क्या बात करें, आप सब का सब देखते जानते हैं, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। आप लोगों के लिए तो हूँ ना, पर मैम एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने भी फैशन शो के पार्टिसिपेंट्स थे, दे वांटेड कि हमको भी वो लाइन लेनी चाहिए 30 सेकंड्स का, कि आप हमें कोरियोग्राफ करें। तो जितने भी फैशन शो के थे मेंबर्स सारे आ जाएं 30 सेकंड्स के लिए। ओम शांति ओम, हमें तो बिल्कुल। पहले तो मैं इनको कहना चाहती हूँ कि मैंने बहुत सारी हीरोइन के साथ काम किया है, लेकिन इतनी ब्यूटीफुल हीरोइन आज तक नहीं देखी। और उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत हीरोइन यहाँ ऑडियंस में बैठी है, और मैं कहूँगी कि देश की हीरोइन यहाँ खड़ी है मेधा जी, तो उनसे बड़ी हीरोइन को हो नहीं सकती। एक्टिविस्ट प्लेजर, लेकिन इनको ही क्यों, सब लोग करेंगे ना डांस साथ में। मेरी जो बोलने वाली थी लेकिन नृत्य राजी पूनम जी कोई नचाती है बच्चों को भी और कोई बड़ों को भी,
लेकिन ये नृत्य एक प्रकार का आविष्कार है जिसमें कला का भी और कुछ विशेष ज्ञान विज्ञान का भी संगम होता है। वो इंसान के जिस इंसानियत की बात यहाँ चली है, जात और मजहब के पार है और स्त्री पुरुष भेदभाव के भी पार और गरीब धनिकों का भी एकत्रित आखर एक प्रकार से जिंदगी को याद करने की बात, उस सबका एक छोटा बड़ा आविष्कार जो यहाँ दिख रहा है उसके गवाह हम सब लोग रहे हैं। और लाइफ ट्रस्ट का जो काम है वो एक शब्द में ही प्रतिबिंबित हो रहा है, लाइफ। अब सब आंगनवाड़ी की शिक्षिकाएं जानती हैं कि लाइफ यानी जिंदगी, और जिंदगी तभी होती है जब आज़ादी होती है। और आज़ादी केवल देश की नहीं होती कि जो सरहद पर युद्ध करवाती है, आज़ादी एक अपने अंदर की होती है कि हम आज़ाद हैं और हमें जो समाज में इस देश में बदलाव चाहिए वो करने के लिए हम लोग उत्सुक हैं, तैयार हैं और हमें उसका अधिकार है। मेरी सभी साथियों आंगनवाड़ियों पर मैंने भी काम किया है, हमारी बहुत बुजुर्ग साथी विद्या बहन जो यूनिसेफ में आंगनवाड़ियों के लिए ही कार्य करती थी, और लतिका बहन जो आज हमारी लाइफ से ही जुड़ी हुई नाम है जीवन छाला। आदिवासी क्षेत्रों में पहाड़ों में नंदुरबार में अलीराजपुर में जीवन छालाएँ चलाती हैं। पूनम बहन के साथी विनोद भाई बालाजी भाई सब आकर जब देखे हमारा बाल मेला, मुझे आज वही याद आ रहा था कि दुनियाएँ बहुत अलग अलग है, ऊपर दुनियाएँ हैं। जैसे धारावी की एक है यहाँ बम्बई के बस्तियों में हम लोग देख रहे हैं आप किस प्रकार की स्थिति में काम करती है, और नंदुरबार जैसे जिले में पहाड़ियों में हमारे साथी शिक्षक हो या मौसियाँ हो जो खाना खिलाती हैं किस प्रकार से काम करती हैं। पर आज जो सम्मान हो रहा है वो एक प्रकार से स्त्रीत्व का, एक महिला होने का सम्मान है, क्योंकि महिलाओं में जो जीवटता होती है, जो सृजनशीलता होती है, जीवटता मुझे महते का जीवटता मुझे चिकाटी, म्हणजे एक काम जर एका स्त्रीने घेतलं तर ती मंजिल तक पहुंचे बिना नहीं छोडेगी। आणि म्हणून एकेका लहान मुलाला घडवण्याचं काम असो की 18 वर्ष ट्रस्ट चलाने का काम, सब में चाहिए जीवटता चिकाटी। आमचाही 33.5 वर्षांचा संघर्ष आणि निर्माणाचा एक छोटासा प्रयत्न, आज एक नर्मदा वाचवण्यासाठी सुद्धा जीव द्यावा वाटावा अशी स्थिती आजही आहे। तर तुम्ही सुद्धा पाहता की आपल्या वस्त्यांमध्ये जेव्हा अंगणवाड्या चालवता आप जब चलाती है तो वो आप कोई ड्राइविंग सीट पर बैठकर नहीं चलाती है, आप बच्चों को और उनके पालकों को और उनकी बस्ती को भी साथ में लेकर चलाते हैं। और अगर ये सब आपके साथ चलने को तैयार है तो जो जनशक्ति बैठती बनती है वो न भ्रष्टाचार करने देगी, न कोई भ्रष्ट विचार उन बच्चों में या पालकों में लाने देगी। और वो ताकत आप में है। हम देखते हैं कि जैसे फ्रॉइड नाम के एक मानस शास्त्रज्ञ ने कहा था कि 7 साल की उम्र तक ही जो मिलता है बच्चे को, न केवल अच्छा खाना लेकिन सोचना और अनुभव करना भी, वो चाहे पर्यावरण जैसे बड़े मुद्दे को, छोटी सी अपनी धरती अपनी बस्ती की जमीन अपना बस्ती का पानी कहाँ जा रहा है, कैसा है, प्रदूषित है कि पीने लायक है, हमारा खाना हम मिट्टी में बैठकर खा रहे हैं तो क्यों हमारी माँ इतनी मेहनत करके हमको ये कुछ नहीं दे सकती है, उसकी क्या अपराधीकरण उसका है कि समाज का है, सब सब चीज़ों पर आप बच्चों को छोटे छोटे होते हुए भी सोचने के लिए तैयार कर सकती है, वो आप में ताकत है। जैसे ये देश हमारा है, जैसे ये प्रदेश हमारा है, ये बस्ती हमारी है और यहाँ का हर एक परिवार हमारा है, ये मानकर जो आंगनवाड़ी शिक्षिका अपना पूरा परिवार और बड़ा और बड़ा और बड़ा करती है, वो मेरे ख्याल से पूनम लालवान की सही लाइफ लीडर बन सकती है, नहीं बनी हुई है। देखिए लाइफ लीडर मतलब क्या, लाइफ जिंदगी तो जीना होता है, केवल कोई नेतागिरी करने का नाम जिंदगी नहीं रह सकता है। और आज जो जिंदगी में इर्द गिर्द में चल रहा है उसमें बच्चों ने 5 जून को 5 पेड़ लगाना केवल नहीं, हर बस्ती का बचा हुआ पेड़ भी कैसे बचाएंगे इस पर बच्चों को
संवेदनशील बनाना और सोचना, ये इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा काम है कि मैं कह नहीं सकती। क्योंकि अगर पेड़ नहीं तो पानी नहीं, पानी नहीं तो नदी नहीं, और नदी नहीं तो शहर के नल में भी पानी नहीं, न बॉटल में पानी आएगा, न पीता जाएगा। तो ये एक छोटी सी बात है पानी की, हवा की, नदी की, लेकिन जो सामाजिक पर्यावरण है ना आज का, जिसके बारे में यहाँ बहुत बोला गया, और फराह खान जी जैसी तो जानती है कि आज देश में क्या चल रहा है। जब अमित खान हमारे को मिलने आए थे दिल्ली में, मुझे उसकी याद आई, उसकी वो बात की फिल्म कौन सी थी, तो फन नहीं था उसमें, वो पूरे अनुभव में बहुत दुखदायक बात भी थी कि कोई अगर गरीबों के साथ, आदिवासियों के साथ कार्य कर रहा है, और उसको अगर फराह खान जैसी कोई मिलने जाती है, पूनम जी जैसी कुछ एक हाथ हिलाती है, हाथ में हाथ पकड़ कर, तो एक बहुत बड़ी बात होती है, छोटी नहीं। और उसका संदेश जो देना चाहते हैं उसमें लाइफ भी होना चाहिए और ट्रस्ट भी होना चाहिए, जिंदगी भी होनी चाहिए और विश्वास भी होना चाहिए। लेकिन आज विश्वास न हो, इस प्रकार की जो संस्थाओं का काम चलता है उसके सामने खड़े होकर पूछने की हिम्मत भी नहीं चाहिए। ये सब एक एक आंगनवाड़ी शिक्षिका में हो सकती है, न केवल शिक्षिका में, सहायिका में भी। और मुझे मालूम है कि कई आंगनवाड़ियाँ केवल कागज पर चलती हैं, पर जो यहाँ आती है और आने की हिम्मत करती है और अवार्ड लेकर जाती है, वो तो सच्चाई से अपने अंगन को एक सुंदर बाड़ी में परिवर्तित करने का काम कर रही है। और आपके आंगन में, उस बाड़ी में वो बच्चों के फूल खिलना और खिलखिलाते रहना एक बहुत बड़ी बात है। मैंने शिक्षण पर बहुत कुछ कहा, लिखा है, पढ़ा है, लेकिन आप जो कार्य करती है उसमें शिक्षा देना भी आसान नहीं है, ये मुझे बात। आपको भले वस्तुएं मिलेगी, लेकिन शिक्षा में आप क्या देना चाहेंगे बच्चों को, ये तय करने का अधिकार जब आप हरेक को है, वो अगर आप समझेगी तो आपको कोई रोक नहीं सकता, सरकार भी नहीं रोक सकती है, क्योंकि आखिर सरकार किसकी है, हमारी है, वोट देकर चुनी जाती है और फिर चुनी जाएगी। तो फिर सरकार एक कारोबार चलाने वाले कोई सीईओ की बात नहीं दिखा सकती है, उनको तो समाज के साथ जुड़कर करना है, समाज के साथ जुड़ना और सरकार के भी साथ जुड़ना, एक पब्लिक पब्लिक पार्टनरशिप के बाद जो आप कर रहे हैं, हम आपको सलाम करते हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार से महिलाओं को उनकी ताकत, एक स्त्री शक्ति जो यहाँ बैठी है, महिला का अर्थ मालूम है, महिम लालयती इति महिला, ऐसा एक संस्कृत शब्द है, मतलब जो मिट्टी के साथ खेलती है वो महिला। अब हमारी किसान महिला, हमारी मजदूर महिला जिनके साथ हम लड़ रहे हैं, हमारी आदिवासी महिला, हमारी दलित महिला, वो तो बात अलग है। आज अंबेडकर, गांधी, सरदार पटेल, लोकमान्य तिलक या भगत सिंह होते तो क्या कहते, ये बात तो आपके सामने दिखाई दी, क्योंकि फेसबुक और व्हाट्सअप में व्हाट्सअप ऐसा जो दिखने की बात होती है उसमें व्हाट्स डाउन दिखाने के लिए ये महिला शक्ति जरूरी है जो आप में है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, महिलाओं में जीवंतता होती है, एक मिनट में मैं बता दूँ, वैसे ही सृजनशीलता होती है। आज के कार्यक्रमों में तो आपने दिखाई है, हमारे आदिवासी बच्चे, शिक्षक, वो भी एक अलग प्रकार की दुनिया दिखाते हैं, कभी वो ऑनलाइन बिन लाइन नाम का नाटक करके दिखाते हैं कि ऑनलाइन कैसा फेक होता है, शिक्षा के बारे में भी कैसी जानकारी छुट्टी डाली जाती है, और फिर हमारे जीवन चला के बच्चों को भगाकर ले जाकर कोई अपना पट पड़ताल नहीं होता है ना, रिकॉर्ड बनाना पूरा कर देते हैं जिसमें मृत व्यक्तियों के नाम भी होते हैं, ऐसी ऐसी बातें होती हैं। और आंगनवाड़ियों में तो खाना खिलाने के बाद बहुत कुछ उसमें होता है, न केवल मिट्टी मिलती है, पैसा मिल जाता है। लेकिन आप सब लोग अगर महिला का कारोबार, महिला की ताकत, महिला की गंभीरता और गहराई, जिसमें एक हिम्मत होती है, क्योंकि करुणा के साथ ही हिम्मत आती है, अगर इंसान और इंसानियत का प्यार हमारे हाथ में लेकर हम चलते हैं, न केवल झंडा, न केवल ज्योत, तो हम लोग सच्चाई से क्यों डरेंगे भाई, सत्य बोलने से क्यों डरेंगे। कोई बिल्डर बस्ती में कुछ गलत करता होगा, कोई नेता कुछ करता होगा, और कोई आंगनवाड़ी का कुछ चुराता होगा, हम तो उसमें नहीं है ना, ये देखना जरूरी है। मुझे लगता है कि आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जो आंगनवाड़ी शिक्षिकाएं दे रही है,
उन्हें केवल बच्चे एक देश बनाने का काम कर रहे हैं। और जब ये अपनापन आप में है तो कोई युद्ध होने की जरूरत नहीं रहेगी। पड़ोसी पड़ोसी का युद्ध कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। हमें युद्ध नहीं, हमें शांति चाहिए। तो बस्ती के अंदर हो या परिवार के अंदर हो, हिंसा जो आज एक ऐसा शब्द बन गया है कि जिसके अनेक आविष्कार ऐसे प्रकट हो रहे हैं कि जैसे उसके बिना हम जी नहीं सकते। चाहे एक बेटे ने माँ 15 दिन बीमार पड़ी और उसकी सेवा न करनी हो, इसके लिए दैनिक भास्कर की फ्रंट पेज न्यूज बता रही हूँ, टेरेस पे जाकर माँ को फेंक दिया, CCTV ने बताया। ये मैं सच्चाई आपके सामने रखना चाहती हूँ। इस हिंसा से भी बच्चों को अगर बचाना है तो अहिंसा और सत्य जैसी बात हमारे हर कार्य में होनी चाहिए, जिसके लिए ही एक संपूर्णता पाई हुई महिला की जरूरत है। जो माँ है वो कभी भी हिंसा पर तुल नहीं सकती, और किसी भी इंसान को जात और मजहब या देश के नाम पर भी हिंसा के लिए तैयार नहीं कर सकती। आप आपके बच्चों को शांति के लिए तैयार करेंगे तो आपको हम सलाम करेंगे। और इसीलिए आपको पुरस्कार दिया गया, आपको पुरस्कार करने वाले पुरस्कृत हो रहे हैं ना। हम सब लोग पुरस्कृत हैं इस बात से कि लाइफ ट्रस्ट ने कितने विविध प्रकार के कार्यों में अपनी दुनिया बनाई है। जैसे एक जिंदगी कोई एक ही प्रकार का कार्य करके नहीं बन सकती ना। केवल शिक्षा, केवल स्वास्थ्य, केवल संघर्ष, केवल निर्माण, केवल कोई विस्थापित हो सकती, ये सब प्रकार है जिंदगी में। और धारावी जैसी दुनिया एक छोटी सी दुनिया के अंदर है जिसमें 52% कुपोषण, तो ये भी एक दुनिया है। कितनी गैर बराबरी है जीवन में, इस सब को समाकर आपको पुरस्कृत किया जाना, मतलब आप भी इन सभी सब झूठ को समाते हुए एक वो बच्चों की दुनिया कैसे नई दुनिया बने, इसके लिए कार्यरत है। और इसीलिए आपको ही नहीं, आपको पुरस्कृत करने वाले लाइफ ट्रस्ट को भी मैं बस हाथ में कुछ नहीं देते हुए हमारे नर्मदा बचाओ आंदोलन और जन आंदोलनों के द्वारा पुरस्कृत करना चाहती हूँ। एक नारा देकर, देव नारा, जीने का अधिकार किसका है? हमारा है, हमारा है। महिला जो देवी भी नहीं और दासी भी नहीं, एक इंसान है, वो हर प्रकार से जी सकती है। यह उमड़ती हुई कला ने भी यही संदेश दिया है। तो जीने का अधिकार किसका है? वो हिम्मत से बोलो, मुट्ठी बंद करो, जात पात पंथ प्रांत स्त्री पुरुष भेद के पार हम सब लोग एक है के लिए, और हाथ उठाकर नारा दीजिए। जिसका कुछ फटा फटा हो तो भी चले, उठाई है आप, चमक चमक रही है, हमको तो चमक के बिना तो जीने का अधिकार किसका है? जीने का अधिकार किसका है? मतलब एक महिला का है और एक पुरुष का भी है, हर बच्चे का है और बूढ़े का भी है, हर इंसान का है। तो गर्व से कहो हम इंसान हैं, गर्व से कहो हम इंसान हैं, गर्व से कहो हम इंसान हैं। महिला शक्ति आई है, नई रोशनी लाई है, महिला शक्ति आई है, नई रोशनी लाई है, महिला शक्ति आई है, नई रोशनी लाई है। लाइफ को ट्रस्ट को, लाइफ ट्रस्ट को। मैम थैंक यू सो मच, आपके शब्द हमारे दिल को लग गए। एक निमंत्रण देना चाहती हूँ, या इतने नाच गाने होते हुए हम लोग साथ में बैठे थे, तो अगर होली का नाच आदिवासियों को आपका देखना है, हजारों रात भर नाचते हैं, बहुत रंग बिरंगे, तो नंदुरबार जिले में कोई 7,000 रुपये लेकर आजकल टूरिज्म करने चला है, इसकी खबर मिली मुझे। वो सब नहीं, मुफ्त में और एक मुक्त होकर भी आप आइए। 19 तारीख रात को, 20 तारीख रात को हमारे गांव में होली होगी और हजारों लोग रात भर नाचेंगे और सुबह 4 बजे होली जमेगी, हम सब लोग साथ रहेंगे। अगर उत्तराखंड जी आती है तो आदिवासियों के स्वागत है। पूनम जी का भी इनकी बातें सुनकर, हम 9 साल से महिला दिवस मनाते हैं, तो अगले साल से हम इसको थोड़ा सा बदल के
इंसानियत दिवस बनाएंगे। तो हमारा जो 10वां साल रहेगा वो इंसानियत का दिन रहेगा, तो आप सब जरूर आना। थैंक यू सो मच मैम, एक बार जोरदार तालियां तीनों के लिए। मैं चाहूंगा सबसे पहले पिछले साल जो विजेता रही वो चारों महिलाएं स्टेज पर आ जाएं, क्योंकि जो पहले 22 और से सर्टिफिकेट्स हैं उनके हाथों दिए जाएंगे। मैं बुलाना चाहूंगा सुनीता, गौरी, शोभा और जूही को स्टेज पे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सुनीता, गौरी, शोभा और जूही। 12 तीसरा नाम प्रभा देवी से शुभांगी, आंगनवाड़ी नंबर 135। मैं 5-5 करके बुलाता हूँ। 4 शिवड़ी वड़ाला से वर्षा पथारे, आंगनवाड़ी 269। और शिवड़ी वड़ाला से यशोदा सोनावनी, आंगनवाड़ी 124। ये 5 नाम। मौका है मेरे पास भी, उनके पास भी। हो जाए बल्ले बल्ले, बजाओ।